Thank you. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपको एक ग्लिच पता ही होगा यार, बीजीएमआई में जो मेरे साथ होता है, जब मैं नेड कुक करता हूँ एंड सामने वाले बंदे के ऊपर फेंकता हूँ तो कभी कभी वो हाथ पे ही चिपक जाता है और हाथ पे ही फट जाता है। आज के दोनों गेम प्ले वही वाले दिखाने वाला हूँ, सो गेम प्ले को यार थोड़ा सा आगे तक देखना और देखना, मतलब पूरे मैच में डोमिनेट करता हूँ लेकिन किसी एक रैंडम बंदे को मारते समय वो नेड जो है हाथ में फट जाता है, तो ये मेरे साथ हुआ, वो भी आप देखना। फिलहाल यहाँ पर तगड़ी फाइट चलती है, उतरते ही वो फाइट देखो। अभी ये वाले भाई को मैंने मार दिया था लेकिन ऊपर और भी बंदे थे, उन्हें भी टिराते एक एक करके। और एक तो टीम आती है जस्ट मेरे सामने, उसे देखना कैसे खेलता हूँ मैं। स्मोक के अंदर एक बंदे को निपटाया, अभी सामने दो बंदे। और गए ये वाले बंदे दोनों। यहाँ पे आते हैं ना, सबसे पहले ये जो पूरी टेरेस है ना गाइज, इस टेरेस के ऊपर कब्जा करना पड़ता है, उसके बाद आपको फ्री किल बहुत मिलेंगे, जैसे कि ये देखो। अभी बस मैं रेड हूँ, यहाँ से बिल्कुल नीचे कूदने के लिए भी और सामने वाले ग्रुप में भी फाइट हो रही है तो उन दोनों पे भी नज़र रखना ज़रूरी है गाइस। और ये बंदा भागते भागते क्या ही देखा मेरे को, इसको भी फ्री में निपटाया। उसके बाद तो भाई ने क्या ही निपटाया, मतलब ये वही वाली ट्रिक कर रहे थे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब एक बंदा और है अंदर, और ये दोनों भी गए। तो भाई मतलब अगर आपका टेरेस के ऊपर कब्जा हो जाता ना गाइस, तो उसके बाद जो है बाकी की फाइट्स आप ठीक ठाक आराम से जीत सकते हो। खैर उसके बाद ये वाली चीज़ तो हर कोई करता है, अभी देखना सामने कितने किल उठाएंगे यहाँ से। अब हर बार किल कभी कभी नहीं भी मिलते हैं कभी जो है, क्योंकि घरों के अंदर अगर फाइट हो रही हो ना तो दिक्कत होती है। अब सीन ये है ना गाइस, वो भी काफ़ी क्लोज है और वो भी नीड फेंक सकते हैं, जैसे कि उसने फेंका बट कुछ हुआ नहीं मेरा। हाँ, ऊपर से आपको बहुत बनते ज़्यादा दिखेंगे फाइट लेते हुए, तो कहीं ना कहीं ध्यान भट गया थोड़ा कि यार इन वालों को मार दूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है जितने ऊपर से किल उठाए जा सकते थे, मतलब आसपास जो फाइट हो रही थी वो तो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। अब जाके थोड़ा सा जो है क्लोज जाना पड़ेगा गाइस इन बंदों को मारने के लिए। अभी आप सुन भी सकते हो दूर दूर फाइट हो रही है, एक बंदा तो बिल्कुल मेरे क्लोज भी आता है, उसे बाद में मारेंगे, पहले इस बंदे को डैमेज किया। अब मैं ना दूसरा एंगल देखता हूँ वहाँ से, ये वाला। अभी यहाँ से ट्राई करेंगे अगर मिल पाता, और देखो उस बंदे ने जो है मॉली फेंकी। मैंने कहा था ना यहाँ पे भी जो है नेड मॉली सब कुछ आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। फाइनली निपटाया इस बंदे को, और अब जो है कुल मिला के हम यहाँ से निकल सकते हैं। अभी एक बार नीचे देख लेते जाके। अभी ना गाइस नीचे फुट आ रहे थे, ठीक है, तो मैं नीड पीछे से कुक करके जाता हूँ ताकि पास में जैसे बंदा दिखेगा उसके ऊपर फेंक दूंगा, लेकिन वो बंदे थोड़े और आगे चले जाते हैं तो अब ना इनको जाके निपटाना पड़ेगा गाइस वहाँ पे। और गए बेचारे दोनों के दोनों, थोड़ी सी लूट ले लेते हैं इनकी। अब जो मेन फोर्ट है ना, जो बीच में जगह है गाइस जहाँ पे हम उतरे थे, वहाँ पे अभी कोई बचा नहीं है, तो आजू बाजू ही बचे हैं, उनको अभी ढूंढ के अपन जो है फेल देते हैं। देन उसके बाद ना सीधा कहानी शिफ्ट होती है इस जगह पर। अभी यहाँ से ना हम इस रथ को लेकर सीधा जो है अपार्टमेंट आ जाते हैं, और यहाँ पे देखना भी फाइट कैसे हुई हमारी। इधर फाइट थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, और बिल्कुल आपको एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट भी देखने को मिलेगा जो कि अक्सर मेरे साथ होता रहता है यार। अब यहाँ पे मेरे बचने की कोई भी उम्मीद थी नहीं, बट मेरा टीममेट ट्राई करा उसने भी, बट यार वो भी क्या ही कर सकता है यार।
अब उसके बाद ना दूसरा मैच स्टार्ट कर दिया, ठीक है यहाँ पे, और इस मैच में भी सेम चीज़ होने वाली है। बट इसमें भी हम रुके नहीं थे, इसमें भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, देखो जरा, मतलब उतरते ही पहलना स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने जितने मारने थे मार दिए भाई, जो ऊपर आए थे वो तो कॉम्पिटेटर थे फुल। अब बाकियों की बारी, अभी इतनी दूर से मैंने फिनिश करने की ट्राई करी उस बंदे को, लेकिन हुआ नहीं। तो चलो आसपास पे फोकस करते वापस, आजू बाजू काफ़ी सारे बंदे देखने को मिल जाएंगे और सारे फाइट ले रहे हैं पता, किसी न किसी के साथ। बेचारे ये दोनों भी गए। अब यहाँ पे भाई मैं इस बंदे के बहुत ही गंदा वाला चौक किया, बट मेरे टीम मेट ने सही टाइम पर बचा लिया मेरे को। यहाँ पर भी जल्दी से हमने जो है रिवाइव किया, लूट करी यहाँ से और वापस छत के ऊपर आ जाते हैं। और भाई एक चीज़ तो यार, सीढ़ियों के पास हमेशा खेला करो ताकि जो भी बंदा ऊपर आए ना तो सबसे पहले उसी को बेलो, क्योंकि वही कब पता नहीं ऊपर आ जाए यार, ऐसे बहुत बार मरा हूँ। अब उसके बाद ना थोड़ी सी अलग फाइट्स पे जो है थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदे खत्म हो गए थे, हम इस साइड आ गए थे इनको देखते देखते, क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही थी। अभी मैंने इस बंदे को रोका जानबूझ के, और ताकि वो वहाँ पर टी वी भी ले सके और मैं नेट से उस बंदे को निपटा सकूँ, बट ऐसा होता नहीं है। वो बंदा पुश कर गया और मैंने फिर उसे मार दिया। अब यार यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है मेरे को विंडो दर विंडो इनको मारते हुए, और फिर पता नहीं कहाँ से मैं नॉक हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। और सेम चीज़ हुई मेरे टीममेट के साथ यार। उसके बाद वहाँ पे तो हम ठिल गए थे, और एक चीज़ अच्छी हुई कि हमको वैसे भी जो है उनको वो आखिरी बंदे थे, उन्हें मारने के बाद जोन में आना ही था, टाइम लग जाता उन्होंने मार दिया तो हम डायरेक्ट यहीं पर उतर गए, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी हुई, टाइम बच गया, हम सीधा आते हैं और सीधा फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर फाइट जब स्टार्ट हुई ना गाइज, ऑलरेडी यहाँ पर बंदे थे। अब ये भाई साहब फाइट तो ले लिए थे, आधी फाइट छोड़ के भाग रहे थे, तो इन्हें भी निपटा दिया वापस, लेकिन इन्हें तो निपटा दिया, बट यहाँ पे ओपन में काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं, गाड़ियाँ सब कुछ एक ही साथ, और कुछ तो ओपन में दिखते हैं हमको। अब देखो उसमें से एक उतार दिया था हमने, लेकिन फिर से आता उनका एक झुंड वापस बचाने के लिए, और बचाने तो नहीं आता, गुजरते हैं बढ़िया ही से। अब ये जो गाड़ी वाला ना, इसका एक बंदा क्या उतार दिया भाई, ये बंदा पीछा नहीं छोड़ने वाला था अब हमारा। अब इसको क्या है, अपनी टीम को बुलाने गया, वो वापस हमारे साथ फाइट लेगा, एंड वो वाला सीन तो आप जरूर देखने का इस। अभी क्या वहाँ से एंगल नहीं बन रहा था, तो वहाँ से फिर हमको ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। अब आ जाते इस जगह पे, यहाँ से वापस फाइट स्टार्ट होती है हमारी और इस टीम की। ये कुछ तो ओपन में रुके हुए थे, और कुछ देखो अब मैं एक बढ़िया सा एंगल देखता हूँ, दूसरा वाला, क्योंकि उस जगह पे तो भाई टिका के बैठ गए थे वो एम। बट फिर गाड़ी की आवाज़ सुनी तो मैं जल्दी से इसी विंडो पे आया। भाई देखो एक बंदे को नॉक कर चुका हूँ, बाकी की गाड़ी ऑलमोस्ट।
अभी यहाँ से दूर कुछ और दूसरी टीम दिखी तो उनका एक बंदा नॉक कर दिया। बट गाइज इतनी दूर से ना ज़्यादा कुछ बंदे नहीं आ रहा था, बट स्टिल दो बंदे नॉक कर दिया यार। और ट्राई करते हैं पूरा फिनिश करने का। Marked a location. अब इतनी दूर से फाइट लेने का गाइस सिर्फ यही दिक्कत है यार कि फिनिश नहीं हो पाते बंदे। देखो डैमेज जितना मर्जी दे लो लेकिन फिनिश एट द एंड मतलब बहुत कम हो पाते हैं यार। मैं जितना मर्जी स्प्ले करो, जितना मर्जी टाइम वेस्ट करो, अपना गन वेस्ट करो, एमओ वेस्ट करो, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अभी हमने डिसाइड कर लिया है दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं और वहाँ से देखते हैं कोई तीसरी टीम मिलती है तो, क्योंकि पीछे वाले बंदे तो भाई वो पता नहीं कहाँ ही चले गए। हमारा पूरा जो एमओ है वेस्ट हो गया। फिर एक बंदा दिखता है, अभी इसको भी यहाँ से मारने की ट्राई करी बट हुआ नहीं ज़्यादा कुछ। तो गाड़ी रेडी थी, बैठे हम गाड़ी में और डिसाइड किया कि सीधा वहीं जाएंगे। अभी इधर फाइट वापस स्टार्ट होती है। अभी ये लोग भी किधर किधर छुपे हैं अभी पता लगता है आगे जाके। अभी देखो दूसरे को मार रहा था तो तीसरे ने फाइट ली, अब तीसरे को मारेंगे। तीसरे को मारा तो अब चौथे की बारी है गाइस। और जो चौथा है वो क्लोज ही है, ठीक है, यहाँ पे आजू बाजू ही है वो, उसका भी देख लिया मैंने। बट यहाँ पे फिर वही सीन भाई, दो बार हो चुका यार बैक टू बैक। इस बार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था मरना तो इस बार रैव तो हो ही गए हम जबरदस्ती। मतलब मैंने टीममेट को बोला कि कुछ भी कर भाई इस बार रैव कर। अब यहाँ पे फाइट होती है तगड़ी वाली भाई, उसने भी नेड वेड फेंकी, मैंने भी। तो लास्ट सेकंड नीड में डर बहुत लग रहा है यार, पता नहीं कब क्या पता छूटे ही ना हाथ से नीड। फिलहाल इस बंदे को मारने की बहुत ट्राई करता हूँ मैं, मतलब नेड जितने थे कोशिश जितनी थी सारी, हील तक नहीं किया मैंने क्योंकि 1v4 पूरा करना था ना। 1v4 हो भी पाएगा देखना ज़रा, अभी मेरे को तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे जो है। और फाइनली यार यहाँ पे होता है एक प्यारा सा 1v4। वो तीन बंदे पता कब के ठिल चुके हैं, पता इसके नॉक पड़े पड़े क्योंकि लंबी फाइट बहुत हो गई थी यार। नेड वो भी फेंक रहा था, भाग वो भी रहा था। उसके बाद हमने गाड़ी उठाई वहाँ से और सीधा निकल लेते वहाँ से, इस जगह पे आते। अब यहाँ पे देखो जरा किस्मत, किस्मत दोनों बंदों की पता, उसकी भी जो हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया बेचारा, नॉक एंड फिनिश दोनों हो गए अपनी पूरी टीम के होते हुए, बट उसकी टीम हमें ले गई।